हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आदि पुरुष ने इतिहास रच दिया। रिलीज से पहले फ्लॉप होने वाली पहली फिल्म बन गई है। बॉलीवुड एक्टर भी तंग है। चलो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। प्रभास और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष लगातार विवादों से हिस्सा बनी हुई है। सोशल मीडिया पर फिल्म के टीजर में दिखाए गए सीन का बवाल मच रहा है। प्रभास और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष का टीजर 2 अक्टूबर को रामनगरी अयोध्या में भव्य तरीके से रिलीज किया गया था। रिलीज के बाद इस टीजर ने कई लोगों का ध्यान खींचा था। लोगों को फिल्म का टीजर पसंद नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया यूजर फिल्म के किरदारों और उनके लुक के चलते मेकर्स को ट्रोल करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि ओम राउत के निर्देशन पर बनी इस फिल्म में प्रभास राम, कृष्ण सेनन जानकी और सैफ अली खान रावण का किरदार निभा रहे हैं। प्रभास राम, कृति सेनन जानकी और सैफ अली खान रावण का किरदार निभा रहे हैं। आदि पुरुष को लेकर खूब विरोध हो रहा है। इस विरोध और विवाद में एक्टर कमाल आर खान भी कूद गए। के आर के ने आदि पुरुष पर तंग कसते हुए ट्वीट किया है। आदि पुरुष पर के आर के का रिएक्शन। के आर के ने ट्वीट करते हुए लिखा है के आर के ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फिल्म आदि पुरुष ने रिलीज से पहले ही इतिहास रच दिया है। यह अब तक की पहली फिल्म बनी है जिसके टीजर रिलीज होने के साथ ही विवाद में आ गया है। ट्रेलर और फिल्म तो भूल ही जाइए। वही प्रोड्यूसर भूषण कुमार को रातों रात 450 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मतलब साफ बात है या कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। इसी के साथ कमाल आर खान ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि आदि पुरुष का टीजर इस बात का सबूत है कि प्रोड्यूसर भूषण कुमार की एक बड़ी गलती है। जिन्होंने फिल्म पर 450 करोड़ रुपए खर्च किया है। सिर्फ 3 घंटे में रामायण का एक्शन प्ले नहीं किया जा सकता। सिर्फ 3 घंटे में रामायण को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जबकि सीरियल रामायण में एक हर डिटेल दिखाया जा चुकी है। राम मंदिर में पुजारी ने की फिल्म बंद करने की मांग। राम मंदिर के पुजारी ने की फिल्म बंद करने की मांग। उधर राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ने फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से फिल्म में रावण के रोल को दिखाया गया है वह बिल्कुल गलत और निंदनीय है। उन्होंने आगे कहा है कि ओम राउत द्वारा निर्देशित फिल्म आदि पुरुष महाकाव्य में वर्णित भगवान राम और हनुमान को सही ढंग से नहीं दिखाता है और इसलिए यह हमारी गरिमा को और इसलिए यह हमारी गरिमा के खिलाफ है। इस फिल्म को जल्द जल्द बंद कर देने चाहिए। इस फिल्म को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। बता दें कि 450 करोड़ के बजट में बन रही आदि पुरुष को
ठंडी ठंडी आइसक्रीम जैसे फॉर्मेट में एक साथ दर्जनों भर भारतीय भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। यह फिल्म 12 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। यह फिल्म 12 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और शेयर करना मत भूलना।